हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोरोनल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम लोग इसके वेन्स देखेंगे, मतलब हार्ट में हमारे कौन से वेनस सप्लाई होता है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ होता है और हम लोग देखेंगे कि इसके नर्वस सिस्टम का यहाँ पर क्या पार्ट आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर मेनली वेन्स पे फोकस करना है, उसके साथ साथ लिम्फेटिक और इसका नर्व सप्लाई कहाँ से आता है, ये तीन चीजें हम लोग आज के लेक्चर में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वेन्स में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहली होती है हमारी ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, तो ग्रेट कार्डियक वेन में और अगर हम लोग इसको डीपली देखेंगे तो पहला हमारा मिडल कार्डियक वेन है, दूसरा है राइट मार्जिनल वेन, तीसरा है पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल या फिर सॉरी वेंट्रिकल, चौथा वेन है यहाँ पर ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, फिफ्थ वेन है एंटीरियर कार्डियक वेन और सिक्स्थ वेन है वेनी कॉर्टिस मिनिम। ठीक है, तो ये मेन ब्लड सप्लाई सॉरी जो हमारा वेनस सप्लाई होता है ये इन्हीं वेन से होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको और डीपली देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को जो कोरोनरी साइनस होता है उसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने इसके इंट्रोडक्शनरी लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कोरोनरी साइनस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पहले जो वेन्स है जिसमें हम लोगों ने क्या क्या इंक्लूड किया था, यहाँ पर फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो पहला एक वेन है मिडल कार्डियक वेन, दूसरा राइट मार्जिनल वेन, तीसरा पोस्टर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, चौथा ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम और ये पांचवा जो है एंटीरियर कार्डियक वेन। ठीक है, तो यहाँ पर और ये सिक्स्थ है हमारा वेनी कॉर्टिस मिनिमम। अब इसमें से ये जो दो अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ये जो चार वेन होती है पहली ये कहाँ ड्रेन करती है, अल्टीमेटली हमारे कोरोनरी साइनस में। और कोरोनरी साइनस अल्टीमेटली कहाँ ओपन होता है, हमारे राइट एट्रियम में ओपन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहली चार वेन है ये हमारी कोरोनरी साइनस में ओपन होने वाली वेन है। और ये जो दो है एंटीरियर कार्डियक वेन और वेनी कॉर्टिस मिनिमी, ये दोनों वेन जो है हमारे राइट एट्रियम में ये डायरेक्टली ओपन होती है। ठीक है, ये डायरेक्टली ओपन होती है, ये कोरोनरी साइनस में ओपन होती नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले चार यहाँ पर कोरोनरी साइनस में होंगे और ये फिफ्थ और सिक्स्थ मतलब एंटीरियर कार्डियक वेन और हमारी वेनी कॉर्टिस मिनिमी, ये जो दो वेन है यहाँ पर ये डायरेक्टली राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हमारा हार्ट का वेनस सिस्टम। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा कोरोनरी साइनस का पार्ट है। ठीक है, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कोरोनरी सल्कस होता है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां पर हमारा कोरोनरी साइनस होता है और एट्रियम के राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल से ही हमारे कोरोनरी साइनस का ओपनिंग होता है। अब ये जो कोरोनरी साइनस है इसमें कौन से वेन यहाँ पर आ रही है और वो यहाँ पर ओपन हो रही है, पहला तो है हमारी ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, एक नंबर की ये जो है ये है हमारी ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर ये ओपन होने वाली है हमारे राइट मार्जिनल वेन। ठीक है, ये हमारे राइट मार्जिनल वेन। तीसरा अगर हम लोग पोस्टीरियरली देखेंगे तो ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम ये भी यहाँ पर ओपन हो रही है। उसके बाद में वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करने वाली वेन है वो भी यहाँ पर कोरोनरी साइनस में। उसके बाद में ये लेफ्ट मार्जिनल वेन ये भी यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक है, और अगर हम लोग दो वेन की बात करते हैं, जो एंटीरियर कार्डियक वेन देखी हमने और जो वेनी कॉर्टिस मिनी में देखी, ये दो वेन जो है हमारे राइट एट्रियम में डायरेक्टली ओपन हो रही है। और ये जो पूरे चार वेन हमने देखे ये क्या कर रही है, ये हमारे ये हमारा कोरोनरी साइनस का पार्ट है, इसमें ये कनेक्ट होके अल्टीमेटली कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। ठीक है, तो कोरोनरी साइनस के बारे में अगर हम लोग डीपली जानेंगे तो कोरोनरी साइनस क्या है, द कोरोनरी साइनस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। ठीक है,
इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस, जो कोरोनरी सल्कस का पोस्टीरियर पार्ट है उसमें ये सिचुएटेड होता है। अगर इसकी लेंथ हम लोग देखेंगे तो वो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इट एंड्स बाय ओपनिंग इन टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो ओपनिंग होता है इसका, ये पोस्टीरियर वॉल में होता है हमारे राइट एट्रियम के। और अगर हम लोग इसके ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या है कि जो कोरोनरी साइनस में क्या क्या ओपन होता है, जो कि हमने अभी भी पढ़ा कि कुछ यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हमारे कोरोनरी साइनस में ओपन होते हैं और अल्टीमेटली हमारे राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। तो जो हमने वेन ऊपर पढ़ी वही हम लोग थोड़ा सा डीपली इसको अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है। पहला हमारा ग्रेट कार्डियक वेन का पार्ट, ठीक है। तो जो ग्रेट कार्डियक वेन है इट अकम्पनाइज द फर्स्ट एंड द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। जो ग्रेट कार्डियक वेन थी, अभी डायग्राम में हमने देखा कि ये जो ग्रेट कार्डियक वेन है, यहां पर अगर देखेंगे तो ये है हमारी, यहां से ये ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। तो ग्रेट कार्डियक वेन किसके साथ अकम्पनाइंग है या फिर किसके साथ में आती है, अगर हम लोग इसके आर्टरी या फिर इसके जो कोरोनरी सर्कुलेशन का पार्ट देखा वो हम लोग अगर देखेंगे तो वो हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ ये अकम्पनाई होती है या फिर इसके साथ में होती है। एंड देन द लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी, हमने सर्कम्प्लेक्स आर्टरी का भी पार्ट देखा था। तो सर्कम्प्लेक्स आर्टरी टू एंटर द लेफ्ट एंड ऑफ द कोरोनरी साथ, इसका मतलब क्या है, ये किसके साथ साथ यहाँ पर आ रही है हमारी जो ग्रेट कार्डियक वेन है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ, उसके बाद में ये सर्कम्प्लेक्स आर्टरी के साथ भी यहाँ पर ऑलमोस्ट इसके साथ में आ रही है। और ये अल्टीमेटली कहाँ ओपन हो रही है, हमारी कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस के कौन से पार्ट में, लेफ्ट एंड, ठीक है। तो ग्रेट कार्डियक वेन जो है हमारे कोरोनरी साइनस के लेफ्ट एंड पे ये इसके साथ अटैच हो रही है। इट रिसीव द लेफ्ट मार्जिनल वेन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेट कार्डियक वेन है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी वेन को अटैच हो रही है, लेफ्ट मार्जिनल वेन से, ठीक है। तो डायग्राम में ही इसी को समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये हमारी ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है, ये हमारी ग्रेट कार्डियक वेन है। तो इसके साथ में जो हमारी ये लेफ्ट मार्जिनल वेन है, ठीक है, ये लेफ्ट मार्जिनल वेन जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सप्लाई कर रही है ये अल्टीमेटली हमारी ग्रेट कार्डियक वेन के साथ अटैच हो रही है। और फाइनली ये हमारा जो कोरोनरी साइनस का लेफ्ट पार्ट है इसमें ये ओपन हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट मार्जिनल वेन है ये हमारे ग्रेट कार्डियक वेन के साथ अटैच होगी और ये अल्टीमेटली कोरोनरी साइनस में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और कोरोनरी साइनस कहाँ ओपन हो रहा है, हमारे राइट एट्रियम के पार्ट में, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड वेन की, द मिडल कार्डियक वेन विच अकम्पनाइज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो ग्रेट कार्डियक आर्टरी जो है या ग्रेट कार्डियक वेन जो है वो किसके साथ अकम्पनाइंग है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ। लेकिन मिडल कार्डियक वेन की अगर हम लोग बात करते हैं, विच अकम्पनाइज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड ज्वाइन द मिडल पार्ट ऑफ द कोरोनरी साइनस, ठीक है। जो ग्रेट कार्डियक वेन थी वो कहाँ पे है, हमारे लेफ्ट एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस पे। तो जो मिडल वाला कोरोनरी साइनस का पार्ट है उसमें कौन अटैच है, मिडल कार्डियक वेन, ठीक है। इसी से इसको हम लोग याद रख सकते हैं, मिडल कार्डियक वेन और मिडल पार्ट ऑफ द कोरोनरी साइनस, ठीक है। बात करते हैं तीसरे वेन की, तो द स्मॉल कार्डियक वेन विच अकम्पनाइज द राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल कार्डियक वेन है ये किसके साथ अकम्पनाइंग है, किसके साथ हम लोगों को दिखेगी, ये राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ, जो हम लोग आरसीए कैसे कहते हैं जिसको, इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस एंड ज्वाइन द राइट एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो कोरोनरी साइनस के तीनों एंड पे अगर हम लोग वेन्स की बात करते हैं कौन से वेन अटैच होंगे, लेफ्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी ग्रेट कार्डियक वेन है, मिडल पे देखेंगे तो मिडल कार्डियक वेन है, और अगर हम लोग राइट साइड की बात करते हैं तो स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है। इन तीनों वेन को हम लोगों को याद रखना है कि कोरोनरी साइनस पे, कभी कभी आपको वाइवा में भी ये पूछेंगे कि हमारे जो कोरोनरी साइनस है उसमें कौन से वेन अटैच होते हैं या फिर कौन से वेन का ड्रेनेज यहाँ पर कोरोनरी साइनस में होता है,
तो पहले अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अगर राइट में जाएंगे तो ग्रेट कार्डियक वेन आएगी, इसके साथ इसकी जो मार्जिनल ब्रांच है वो अटैच होती है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को यहाँ पर ड्रेन करती है। उसके बाद में मिडल में आएंगे मिडल कार्डियक वेन, राइट साइड में जाएंगे तो स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है। ये तीनों वेनों का नाम याद रखना है आपको। उसके बाद में अगर देखेंगे तो राइट मार्जिनल वेन में ड्रेन इनटू स्मॉल कार्डियक वेन, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मतलब जो हमने ग्रेट कार्डियक वेन का पार्ट देखा जिसमें कि हमारी सर्कम्प्लेक्स आर्टरी थी, ठीक है, सॉरी सर्कम्प्लेक्स आर्टरी नहीं, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये एंटर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट देखेंगे तो राइट साइड में क्या है, राइट मार्जिनल वेन है और वो ड्रेन कहाँ कर रही है, हमारी स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल कार्डियक वेन में ये ड्रेन करती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग चौथी वेन की बात करते हैं तो चौथी वेन में आती है हमारी द पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विच रन्स ऑन द डायफ्रामेटिक सर्फेस पे ये होती है ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का हम लोग अगर हम लोग डायफ्रामेटिक सर्फेस देखेंगे तो इस पे ये रन करती है, कौन सी, पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड्स इन द कोरोनरी साइनस, और ये अल्टीमेटली कहाँ ओपन हो रही है, कोरोनरी साइनस में, ठीक है। पांचवी जो वेन होती है जो कोरोनरी साइनस में ओपन होती है द ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम सॉरी ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल, ठीक है, इसका ये पूरा नाम है ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल, इज अ स्मॉल वेन विच रनिंग ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम का पार्ट होगा लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पर ये पोस्टीरियर सर्फेस पे ये रन कर रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर देखेंगे टर्मिनेट्स इन द लेफ्ट एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस, लेफ्ट एंड पे कोरोनरी साइनस पे ये भी ओपन हो रही है, कौन सी, हमारी ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, और पहले कौन सी हो रही थी लेफ्ट एट्रियम सॉरी लेफ्ट कोरोनरी साइनस पे, हमारी ग्रेट कार्डियक वेन, इट डेवलप फ्रॉम द लेफ्ट कॉमन कार्डिनल वेन और अ डेप्थ ऑफ क्यूवेयर विच मे समटाइम्स फ्रॉम अ लार्ज सॉरी लेफ्ट सुपीरियर वेना कैव, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो स्मॉल कार्डियक वेन है, स्मॉल कार्डियक वेन से कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्रांच है ये कार्डिनल वेन से बनती है जिसको कि हम लोग डक्ट ऑफ क्यूवेयर भी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई ऑप्शनल या फिर कोई ऐसी केस देखेंगे जिसमें ये वेन से क्या होता है कि हमारे जो सुपीरियर वेना कैवा है इससे बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इट फॉर्म्स सम टाइम, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केसेस में हम लोगों को मिलने वाला है। सिक्स्थ ब्रांच जो कोरोनरी साइनस में ओपन होगी वो है हमारी राइट मार्जिनल वेन, ठीक है, राइट मार्जिनल वेन विच अकम्पनाइज द मार्जिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, जो हमने कोरोनरी सर्कुलेशन में ऑलरेडी पढ़ी है। इट मे एंटर आइदर ड्रेन इनटू द स्मॉल कार्डियक वेन और ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। इसका मतलब क्या है कि जो राइट मार्जिनल वेन है एक तो ये स्मॉल कार्डियक वेन में ओपन होगी, नहीं तो फिर हमारे डायरेक्ट राइट एट्रियम में अटैच होगी, ठीक है। ये जो ट्रिब्यूटरीज है, हमने जो अभी सिक्स ट्रिब्यूटरीज देखी वो पूरे कोरोनरी साइनस में ओपन होने वाली वेन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी जो दो वेन बची थी जो कि डायरेक्टली राइट एट्रियम में ओपन हो रही है, वो कौन सी है, एक तो हमारे एंटीरियर कार्डियक वेन। द एंटीरियर कार्डियक वेन आर थ्री और फोर स्मॉल वेसल्स और वेन विच रन पैरेलल टू वन अनदर ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड यूजुअली ओपन डायरेक्टली इन टू द राइट एट्रियम थ्रू इट्स एंटीरियर वॉल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एंटीरियर वॉल है, ठीक है, एंटीरियर वॉल, लेकिन किसका, हमारा राइट वेंट्रिकल का एंटीरियर वॉल मोस्टली, इस पे कुछ वेन्स यहाँ पर रन कर रहे हैं, कितनी है संख्या, थ्री या फिर चार, ठीक है, थ्री टू फोर इसकी संख्या होती है जिसको हम लोग कहेंगे एंटीरियर कार्डियक वेन, ठीक है। ये स्मॉल वेन्स होती है और कहाँ रन कर रही है, हमारे राइट वेंट्रिकल पे, और वो स्पेशली हमारे एंटीरियर सर्फेस, ठीक है, एंटीरियर सर्फेस पे ये रन करती है। अगर हम लोग देखेंगे ये इसका ओपनिंग कैसे होता है, एक तो डायरेक्टली राइट एट्रियम में होगा और वो कैसे होगा, एंटीरियर वॉल पे होगा, ठीक है, थ्रू इट्स एंटीरियर वॉल से ये डायरेक्टली हमारे राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद में जो वेनिकॉर्डिस मिनिमी का पार्ट आता है वो हम लोग देखेंगे। द वेनिकॉर्डिस मिनिमी और अ थिबेशियन वेन्स, इसको क्या कहते हैं, दूसरा एक थिबेशियन वेन भी कहते हैं, और अ स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन, ठीक है, तीन नाम है इसके, एक तो वेनिकॉर्डिस मिनिमी कहो, थिबेशियन वेन्स कहो, या फिर स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन कहो, ठीक है।
तो ये जो विनी कॉर्डिस मिनी है, ये अगर नंबर में देखेंगे तो न्यूमरस होती है, स्मॉल होती है, इसमें वॉल्व नहीं होती, ठीक है। ये वॉल्वलेस रहती है, विच प्रेजेंट इन ऑल फोर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट विच ओपन डायरेक्टली इनटू द कैविटी। तो जो वेनी कॉर्डिस मिनी है ये न्यूमरस होती है, मतलब इसकी संख्या असंख्य होती है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे इसमें वॉल्स एब्सेंट होते हैं और ये स्मॉल साइज में होती है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका प्रेजेंस देखेंगे ये चारों चेम्बर में हम लोगों को मिलेगी, लेकिन खासकर ये हमारे राइट हार्ट में ज्यादा प्रेजेंट होती है, मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट आट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों पार्ट में ये ज्यादा प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। इसीलिए अगर हम लोग इसका क्लिनिकल सिनेरियो देखेंगे तो क्लिनिकल सिनेरियो में हम लोगों को जो हार्ट अटैक दिखते हैं, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, वो लेफ्ट साइड में ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेनी कॉर्डिस मिनिमी का एक सप्लाई होता है, जो कि एक हम लोगों को जो हार्ट का जो इन्फार्क्शन बोलते हैं, जिसको हार्ट अटैक कहना बोलते हैं, ठीक है, तो उसको ये और थोड़ा सा माइल्ड कर देता है, क्योंकि वेनस सप्लाई मतलब हार्ट का जो ब्लड सप्लाई वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, इसलिए राइट साइड में वेनी कॉर्डिस मिनिमी ज्यादा होने के कारण एमआई जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट। दीज आर द मोर न्यूमरस ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट देन इन ऑन लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये कम होते हैं। दिस मे बी वन रीजन वाई लेफ्ट साइडेड इन्फेक्शन आर मोर कम। यही चीज मैंने अभी समझाई कि जो लेफ्ट साइड के एमआई होते हैं या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं वो कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू राइट, क्योंकि यहाँ पर राइट में वेनी कॉर्डिस मिनिमी का प्रेजेंस ज्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि राइट साइड में एमआई इनकी वजह से आएंगे ही नहीं। इसका प्रेजेंस ज्यादा होने के कारण राइट साइड के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके आते नहीं, ठीक है। अब ये हुई हमारी वेन्स, अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग इसका लिम्फैटिक ड्रेनेज कैसा होता है, ठीक है। अगर हम लोग हार्ट का लिम्फैटिक ड्रेनेज देखेंगे तो वो दो पार्ट में होता है, ठीक है। जो हमारी ट्रंक बनती है हमारा लिम्फैटिक सिस्टम की, वो दो ट्रंक बनती है, इसका एक राइट ट्रंक और एक बनती है लेफ्ट ट्रंक, ठीक है। जो राइट ट्रंक से लिम्फ ड्रेन होता है वो होता है हमारा ब्रैकियोसिफेलिक नोड्स में, अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड का होता है हमारा ट्रकियोब्रंकियल लिम्फ नोड्स में, ठीक है। तो ये लिम्फैटिक ड्रेनेज होता है दोनों साइड पे, कौन सा, एक ब्रैकियोसिफेलिक नोड्स में होता है और दूसरा होता है ट्रकियोब्रंकियल लिम्फ नोड्स में। अब बात करते हैं इसके नर्वस या फिर नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई में अगर हम लोग देखेंगे जो मेन पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई आता है हार्ट को, वो होता है हमारी वेगस से, ठीक है। वेगस नर्व से सप्लाई आता है, वेगस नर्व हमारी या फिर जो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई होता है वो एक्चुअली में अगर हम लोग इसको स्टिमुलेशन देंगे तो ये हमारा इनहिबिटरी एक्शन करता है, ठीक है। इनहिबिटरी एक्शन करता है, इसका मतलब क्या है, ये कार्डियो इनहिबिटरी एक्शन, ठीक है, कार्डियो इनहिबिटरी एक्शन बोलते हैं इसको। अब अगर मान लो इसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं, मतलब पैरासिम्पेथेटिक जो नर्व होती है ये अगर स्टिमुलेट हो जाएगी तो क्या होगा, ये कार्डियो इनहिबिटरी होने के कारण हमारा जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या है, जब स्टिमुलेट कर रहे हैं हम लोग पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स को और इसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट के ऊपर है कार्डियो इनहिबिटरी, इसका मतलब कार्डियक एक्टिविटी को ये कम कर रहा है। अगर ये स्टिमुलेट हो गया तो हमारा हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा। इसके अपोजिट में अगर हम लोग देखेंगे सिंपैथेटिक नर्व की जब हम लोग बात करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व विच डेराइव फ्रॉम द अपर फोर और फाइव थोरैसिक सेगमेंट, मतलब T1, T2, T3, T4 और कभी कभी T5, ठीक है। ये जो पांच थोरैसिक वर्टिब्रा है या फिर उसके जो हमारे स्पाइनल सेगमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं, उसका यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है। कौन सा है ये, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। अगर हम लोग सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई की बात करते हैं, ये हार्ट पे काम करता है कार्डियो एक्सेलरेटरी काम करता है। इसका मतलब है कि अगर सिंपैथेटिक चेन को अगर हम लोग यहाँ पर स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट हमारा बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा ड्रग जो हमारी पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को यहाँ पर स्टिमुलेट कर रहा है, इसका मतलब वो हार्ट रेट को कम कर रहा है। और ऐसा कोई ड्रग अगर हम लोग देंगे जो सिंपैथेटिक नर्व को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब T1, T2, T3, T4, T5, यहाँ से जो सिंपैथेटिक सप्लाई हमारे हार्ट को आ रहा है उसको अगर स्टिमुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हार्ट बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक क्लिनिकल पार्ट हुआ। अब यहाँ पे हमारा जो कार्डियोलॉजी का या फिर हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये पूरा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद में आगे का सिस्टम हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।